हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, 17 दिसंबर। तो करते हैं आज का रीडिंग शुरू और देखते हैं आज के रीडिंग में हमें क्या मिलता है। ओके, आज हम ये डेक यूज़ करने वाले हैं जो कि है हिंदी ओरेकल डेक। ओके, सो लेट्स यूज दिस डेक एंड फाइंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज और हर हार्ट। ओके, चलो कुछ कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, दो कार्ड और निकालते हैं, ठीक है। चलो, आ गया है सब पहला ही कार्ड। ओके, चलो ये हो गए 5 कार्ड। अब दूसरे 5 कार्ड भी हम निकाल देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए। चलो, 2 हो गए, फिर ये 3, 4 एंड द फाइनल 1। ओके, जो कि है 5। चलो, वो यूज़ दैट ऑन नाउ, सी कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। ओके, दोस्त, वाह, दुश्मन। लगातार 2 कार्ड ऐसे आ गए, ठीक है। देर, ओके, परीक्षा, ओके, एंड टकराव, ठीक है। तो 5 कार्ड आ गए यहाँ पे, तो हम इन 5 कार्ड्स को पहले देखते हैं और यहाँ पे मैं दूसरा भी जो पाइल है वो यहाँ पे रखता हूँ, दूसरी पाइल, ठीक है, स्टक यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। चलो, आ गए यहाँ पे 5 कार्ड। ओके, आपको भी दिख सकता है। ओके, तो एक मंथ भी आ गया है हमें, वैसे 10 कार्ड है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग एग्जैक्टली क्या आती है। ओके, तो स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है दोस्त, दुश्मन, देर, परीक्षा एंड टकराव, ना, शादी, आत्मविश्वास, बेपना, फरवरी, ना 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 ना। तो ये देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ये जो व्यक्ति है, ये एक्चुअली आई थिंक आज दिन भर ये व्यक्ति किसी के बारे में सोच रहा है, और अगर इसको किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो है अच्छे दोस्त की, यू नो, जो इसको सही सलाह दे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे कई सारे दोस्त होते हैं ऐसे जो आते हैं एंड चले जाते हैं, लेकिन सही जवाब देने वाले और सही गाइडेंस देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, एंड ऐसे दोस्त पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब दैट इज़ ट्रूथ थिंग। देखिए, अगर आपको अच्छा दोस्त ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन बुरा दोस्त बिल्कुल भी ना बनाइए, क्योंकि बुरा दोस्त आपको कहीं पर भी अटका सकता है, फंसा सकता है, एंड ऐसे आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। सो इससे अच्छा है कि आप दोस्ती ना बनाओ, तो आप अच्छे रह सकते हो। ओके, इस व्यक्ति को अभी फ़िलहाल में गाइडेंस की ज़रूरत है। दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर द राइट गाइडेंस। अगर इसे ये गाइडेंस सही जगह पर मिलेगा तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे दोस्त उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्ती जो होती है वो निभाने में एक अलग मज़ा आता है, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कभी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी सोशल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कभी किसी को फिज़िकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। मान लो कोई हॉस्पिटल में है तो भागदौड़ करने के लिए 2-3 लोग तो चाहिए। सो दैट कुड बी हैपनिंग। मेरा एक दोस्त था एंड उसका एक दोस्त था करीबी, ठीक है। अब उसके करीबी दोस्त के किसी को प्रॉब्लम आ गई, तो इसने इसको बुलाया, तो ये गया कि मैं वहाँ पे रुकने वाला हूँ, एंड लाइक वाइज। तो आप सोच सकते हैं कि दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट एंड टुडे व्यक्ति जो है वो अपने दोस्त के प्रति बहुत ही वफादार है एंड सही दोस्त की तलाश में है, ठीक है। तो अगर आप इसको जानते हैं, मे बी इफ़ द पर्सन टेल्स यू कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन एंड वो अपने किसी दोस्त को हेल्प करना चाह रहा है, या फिर किसी को मिस कर रहा है एक्चुअली कि काश वो मुझे कॉल करे, या फिर इफ़ आई कम टू नो कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। दोस्त के लिए ज़रूरी नहीं कि वो लड़का ही हो, लड़की ही हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अच्छा दोस्त बन सकता है, एंड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सही दोस्त चुनना। अगर ये सही दोस्त चुनेगा तो ज़िंदगी में डेफिनेटली आगे जाएगा। अगर गलत चुनाव करता है, गलत व्यक्ति को चुनता है, तो डेफिनेटली ज़िंदगी में गलत बातें ही होंगी। तो उसके लिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है दुश्मन। तो दुश्मन क्या कह रहा है यहाँ पे देखो। दुश्मन यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि कुछ लोगों के पीठ में कुछ लोग छुरा भोंकते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग विच हैपन्स, यू नो। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा होता है, यू नो, कोई किसी के पैर में पड़ता है एंड वो व्यक्ति किसी को धोखा देता है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, मे बी शायद ये चीज़ हो रही है, ओके, इसके लाइफ में। देखो, अगर आप ये पूरी पाइल या पूरी स्टैक अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक सटीक जवाब मिल जाता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है, एंड वो क्या करना चाह रहा है वो आप जान सकते हैं। मे बी ये व्यक्ति इसके लिए एक परीक्षा की घड़ी हो, ठीक है, एंड ये व्यक्ति किसी से जूझ रहा हो, ओके शायद आपको भी परीक्षा देनी पड़ रही हो, समथिंग कुड बी गोइंग ऑन। अब आप ज़िंदगी के किस लेवल पे हैं उस पर ये सब डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब देयर आर सम पीपल जो कहते हैं कि आई वॉज कनेक्टेड टू समवन, आई वॉज नॉट नाउ, मैं किसी से कनेक्टेड था लेकिन अब नहीं हूँ, लेकिन वो व्यक्ति शायद मेरे लाइफ में दोबारा वापस आना चाहती है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो समवेयर ये जो व्यक्ति है ये इसकी हेल्प लेना चाहता है कि क्या करें। अगर व्यक्ति आपसे कंसल्ट करेगा और आपसे पूछेगा कि कैन यू हेल्प मी, तो आपका तो पारा चढ़ जाएगा कि ऐसे कैसे हो रहा है, हाउ डेयर यू, एंड चलो फिर ये करते हैं वो करते, यू नो, सो थिंग्स कुड बिकम मोर डिफिकल्ट, यू नो। एंड हर बार ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें सही हो, गलत भी हो सकती हैं, तो इसको हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही मोमेंट पे सही डिसीजन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सही डिसीजन ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, वरना डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। तो कोई व्यक्ति है जो इसका दुश्मन बना हुआ है, ठीक है, एंड इस व्यक्ति को इससे निपटना है, तो शायद आज का दिन उसके लिए थोड़ा सा हेक्टिक या स्ट्रेसफुल रह सकता है। और देखो, दुश्मन जो होता है वो ज़रूरी नहीं बाहर, वो अंदर भी हो सकता है। हमारे दो मन होते हैं एंड हम दोनों मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक होता है अच्छा मन, एक होता है बुरा मन। मतलब कहीं से अच्छी आवाज़ आती है, कहीं से बुरी आवाज़ आती है। ज़ाहिर तौर पे अगर हम कहें फॉर एग्जांपल, कोई कह सकता है कि वाओ व्हाट अ ब्यूटी, कोई कहता है नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, या फिर कोई कहता है कि येस आई वांट टू बी बिकम नॉट वेजिटेरियन, नो आई एम वेजिटेरियन, यू नो। तो ऐसे जो बातें होती हैं वो दिल में आती जाती रहती है, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम ये द्वंद्व युद्ध कैसे बंद करें। जैसे हम कहते हैं कि मेडिटेशन, ज़ीरो थॉट सिस्टम, मतलब वहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है। 15 मिनट मैक्सिमम, आई थिंक लोग 15 मिनट ही कर पाते हैं मेडिटेशन। हाँ, कुछ लोग योगी हैं जो बहुत देर तक करते हैं, लाइक 2 आवर्स 4 आवर्स, और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सिर्फ इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है दैट दे कैन डू अमेजिंग थिंग्स, ओके। एंड ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको, इस चीज़ को ख़त्म करना है, इस चीज़ को कंट्रोल करना है। मे बी इसके दिल में कुछ चीज़ें पॉपअप हो रही हैं जो इसको कंट्रोल करनी है कि आई डोंट वांट दिस टू हैपन, यू नो। लस्ट आ सकता है या फिर कोई और चीज़ आ सकती है, और इसको कंट्रोल करना है। मे बी ये दोस्त उसका है कोई, या फिर ये अपने मन को ही रेफर कर रहा है, ओके यहाँ पे आप भी हो सकता है, मे बी द पर्सन इज रेफरिंग टू यू, कि आप भी उसके अच्छे दोस्त हो, एंड मे बी वो आपसे कुछ सलाह मशवरा करना चाह रहा है रिगार्डिंग व्हाट ही और शी शुड डू राइट नाउ अबाउट दिस थिंग, कि कैसे अगर कोई नेगेटिव चीज़ है जो उसके दिल पे या दिलो दिमाग पे असर डाल रही है तो उसे कैसे ख़त्म कर सकता है, ओके। तो इसके लिए आपका साथ भी इस व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सही तरह से गाइड कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है देर, तो यहाँ पे थोड़ी सी देर हो रही है, यू नो। कई बार हम कहते हैं कि चीज़ें यूँ हो जाए, जैसे कि आपको किसी इंटरव्यू में जाना है, रिक्शा में गए हैं, ट्रैफिक में अटके हुए, आप कहते हैं कि अरे यार ट्रैफिक जल्दी से खुल जाए, यू नो, और वहाँ पे देर होती है तो आप कहते हैं कि क्या करूँ मैं, यू नो। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को देर हो रही है, इस व्यक्ति को चाह है कि जल्द से जल्द अभी इसी वक्त कुछ चीज़ें हो जाएँ। अगर हो रही है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, नहीं है तो क्या करेगा। मान लीजिए आपने उन्हें मैसेज कर दिया, आई वॉन्ट टू मीट यू राइट नाउ, और कह रहे अभी, हाँ आपने कहा ठीक है, आपने कहा अभी के अभी मिलो, तो वो निकल रहे हैं, ठीक है। अब आप तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? मे बी कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ठीक है। अब ट्रैफिक लग रहा है, कहीं पे अटक गए हैं, पेट्रोल ख़त्म हुआ है, गाड़ी पंक्चर हुई है, यू नो, कोई लिफ्ट मांग रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा? मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनके कंट्रोल के बाहर है, एंड ये आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने बस कहा और वो हो गया, यू नो। देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो होती हैं, एंड यू जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट दैम, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट इज़ समथिंग गुड टू नो, ओके। तो किस चीज़ की इसको देरी हो रही है और इसको ये देरी ख़त्म करनी है, कि मुझे जल्द से जल्द वो चीज़ पानी है या फिर मुझे जल्द से जल्द वो चीज़ करनी है। लेकिन हालांकि अगर किसी चीज़ को होने में देर हो रही है तो उसके पीछे कोई वजह भी हो सकती है। यूँ तो फास्ट नहीं होगा, आप बैंक में गए हैं, लाइन है, लंबी कतार है, तो ये तो नहीं होगा कि विद इन ए सेकेंड वो सब हो गया, यू नो, तो उसको भी देर लगेगी। वैसे ही अगर आपको कुछ कहना चाह रहा है, आपके दिल तक पहुँचना चाह रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा पहले दिन देखा, सेकेंड दिन में आई लव यू को कहा, और थर्ड दिन आपकी शादी हो गई, यू नो। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाई देता है, एंड कुछ अजीबोगरीब कपल होते हैं लेकिन जो कहते हैं कि वाओ आई जस्ट सॉ यू, आई फाउंड यू एंड आई लव यू, तो होता है ऐसे कई बार यहाँ पे बारे में। लेकिन आपको बस सोचना है कि क्या सही है आपके लिए और क्या सही नहीं है, ठीक है। अगर देर हो रही है तो उसे समझ लीजिए, यू नो, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो होने से पहले देर होती है, तो आपको कुछ होने से वो बचाते हैं। एंड दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। बहुत सालों पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, तो वहाँ पे एक महाराज के बारे में लिखा था कि उनका एक शिष्य था और वो प्लेन से कहीं जाने वाला था। तो पता नहीं महाराज ने उनसे क्यों कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हारी फ़्लाइट कब है? तो उसने कहा कि फ्राइडे को है। इन्होंने कहा कैंसिल कर दो। उसने कहा ठीक है महाराज, जैसे आप कहेंगे। फ्राइडे को कैंसिल की। दूसरे ही दिन, मतलब फ्राइडे के नेक्स्ट दिन बात आ गई कि उस प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, वो क्रैश हो गया। अब महाराज को कैसे पता, लेकिन ही कम टू नो, एंड बिकॉज ही केयर अ लॉट अबाउट हिज डिवोटी, इसलिए उन्होंने उससे कहा कि तुम ना जाओ। एंड क्या हो गया, देर हो गई, लेकिन उस व्यक्ति के प्राण बच गए। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कुछ करने से रोकते हैं, यू नो, एंड दैट इज़ समथिंग कूल। फॉर एग्जाम्पल, मे बी द कपल वॉन्ट टू बिकम इंटीमेट, लेकिन कुछ पॉज आता है और उस पॉज में वो सोचते हैं व्हाट शुड आई डू राइट नाउ, वेदर आई शुड टेक द नेक्स्ट डिसीजन और नॉट, और वेदर आई शुड थिंक मोर अबाउट इट, यू नो। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है परीक्षा, एंड नेक्स्ट कार्ड है टकराव। ठीक है, तो ये दो कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी परीक्षा देखी जा रही है। ओके, तो ये हो सकता है मे बी आप उसकी टेस्ट ले रहे हो या फिर भगवान उसकी टेस्ट आज ले रहे हैं। यानी होता है ज़िंदगी में, यू नो, हमें पता नहीं कि कब कोई व्यक्ति हमारी परीक्षा ले ले। एंड ये चीज़ होती है, जैसे कि यू नो कोई दुकानदार टेस्ट करता है किसी की लॉयल्टी, वहाँ पे यू नो कुछ नोट रख देता है, तो ये व्यक्ति क्या करता है, रिटर्न करता है किसी को या फिर अपने जेब में रखता है। उससे भी पता लग जाता है कि इस व्यक्ति की अभिलाषा क्या है, इच्छा क्या है, ये व्यक्ति आगे जाके क्या कर सकता है। चीज़ें छोटी होती हैं, लेकिन यही चीज़ें आगे जाके बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमें परीक्षा एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है कि इस व्यक्ति की परीक्षा देखी जा रही है, मतलब टेस्ट हो रही है। अब या तो आप इसकी टेस्ट ले सकते हैं या फिर खुद भगवान इसकी टेस्ट ले रहे हैं, यू नो, कि क्या ये व्यक्ति, अगर मैं इसको ये करने को बोलूँ तो क्या ये करेगा, अगर मैं इसके सामने ये अपॉर्चुनिटी रखूँ तो ये क्या करेगा, यू नो। एंड वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हमारी सख्त परीक्षा की जाती है। अब भगवान भी कर सकता है, सिचुएशन भी कर सकती है, या फिर हालात भी कर सकते हैं, यू नो। एंड हम फिर क्या करते हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति ने बहुत पढ़ाई की है और अभी एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और तभी लाइव मैचेस लग रहे हैं, क्रिकेट के हो, टेनिस के हो, और ये व्यक्ति इसका दीवाना हो, तो ये क्या करेगा, मैचेस देखेगा या फिर पढ़ाई करेगा, क्योंकि इसका भविष्य इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे परीक्षा देखी जाती है। मे बी यू कुड थिंक लाइक दैट कि व्हाट इफ़ यू कम टू नो दैट कल कोई सुंदर व्यक्ति तुमसे हाय हेलो कर रही है, तो तुम क्या करोगे, यू नो। मे बी आप ऐसे करो, मे बी आप, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दोस्तों कहते हैं कि यू नो एक ट्राई करो, उसके सामने जाके खुद सामने से उससे बात करो, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है, यू नो। एंड कुछ चीज़ ऐसी होती है कि मे बी वो व्यक्ति सामने से आपसे बात करता है या फिर आपको कन्फ्रंट करता है या फिर आपको भी डिच कर सकता है, यू नो, एंड किसी और के प्यार में पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने ये सीरीज़ देखी, यहाँ पे इस व्यक्ति की परीक्षा देखी जा रही है, तो समवेयर इस व्यक्ति की जो अभिलाषा है वो टेस्ट की जा रही है कि क्या ये करेगा, इज़ इट वर्थ टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ और नॉट। जिसकी कंपनी जो होती है वो टेस्ट लेती है, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की, कि क्या ये एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए सही होगा, बेहतर होगा, या फिर ये व्यक्ति हमारी कंपनी के लिए नासूर बन सकता है, यू नो। तो वो रिगरस टेस्ट करती है। हमें डिपेंड करता है कि वो जो कंपनी वो किस लेवल की है और इस व्यक्ति को कौन से लेवल का जॉब मिल रहा है। अगर बहुत ही बेसिक लेवल का जॉब मिल रहा है तो शायद इतना रिगरस टेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन अगर टॉप लेवल का जॉब मिल रहा है तो बहुत ही रिगरस टेस्टिंग होगा। मतलब जब तक ये व्यक्ति शायद जॉब पे है तब तक रिगरस टेस्टिंग हो सकता है, अबाउट देयर अकाउंट, अबाउट व्हाट दे डू, अबाउट व्हाट दे नॉट डू, उनकी लाइक्स क्या है, हैबिट्स क्या हैं, वो क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, कैसे हाव भाव है, कैसे हालचाल है, दुश्मन से तो नहीं मिल रहे, मतलब एवरीथिंग कुड बी गोइंग ऑन हियर। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड है वो है टकराव। तो यहाँ पे टकराव हो सकता है या फिर टकराव होना लाजमी है। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दोपहर के 3 बजे के बाद आपका शायद छोटा झगड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। सुबह 11 बजे अगर आप बात करते हैं तो आपकी मतलब बहुत अच्छी दिल की बातें हो सकती हैं, यू नो, बहुत अच्छी मिठास यहाँ पे आ सकती है, बहुत मधुर संबंध यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन समवेयर अगर हम बात करें दोपहर 3 बजे के बाद या फिर किसी के बारे में शाम के 6 बजे के बाद भी कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं कि व्यक्ति आपसे थोड़ा सा टकराव जैसा महसूस कर सकेगा, एंड आपसे शायद थोड़ी सी बहसबाजी इस व्यक्ति की हो सकती है। और देखो हालात हर किसी के हाथ में नहीं होते, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई व्यक्ति जानबूझ के ऐसा नहीं करता, लेकिन कुछ व्यक्ति के हाथों ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लेमिंग प्रोसीजर शुरू होती है, तुम्हारे कारण आज मेरा ये हाल है, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, फिर वो चीज़ें बदल जाती है ना। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम किसी के लिए कुछ करते हैं बिकॉज हमें लगता है हमें करना चाहिए, है ना। जैसे कि आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक व्यक्ति था, ओके, लॉ पढ़ रहा था बहुत ही बड़े स्कूल से। डेफिनेटली उसके पेरेंट की, उसके भाई बहन की एक्सपेक्टेशंस होगी, उसके दोस्तों की एक्सपेक्टेशन होगी कि आगे जाके एक बड़ा लॉयर होगा। लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ एंड इसने सोचा कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँ, जस्ट इमेजिन। लेकिन इसने खुद को बचा लिया, समहाउ ही वॉज सर्वाइव्ड। लेकिन उसने ठान लिया कि मैं अभी से ऐसे लोगों के लिए वर्क करूंगा जो सुसाइडल थॉट्स रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। और उसने अपना लॉ करियर सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, बहुत सारे वॉलंटियर्स आए और उन्होंने कितने सारे लोगों के प्राण बचाए। हालांकि उसके जो दोस्त हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो उसके इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। दे थॉट कि ये आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता था, लेकिन उसने ये किया। लेकिन ये अपने हाल आप में खुश हैं। यहाँ पे हो रहा है टकराव, ठीक है, कि वो कुछ अलग चाह रहे हैं, ये कुछ अलग चाह रहा है। लेकिन जिस हालात से गुजर रहा है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये वही करे जो उसके लिए सही है। एंड ये चाह रहा है कि मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूं जो ज़िंदगी से खुश नहीं है। ही जस्ट वॉन्ट टू हेल्प दोज पीपल टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, रियल लाइफ, ठीक है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि चलो लाइफ खत्म कर दी तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे नहीं होता। आपका सोल जो होता है वो फिर बेचैन रहता है। मतलब मुक्ति तभी मिलती है जब आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। दरअसल चक्र कैसा चालू होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सच्चे प्यार के खोज में हैं, ठीक है, आपने 4 रिलेशनशिप कर लिए लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हैं। सो आप रिलेशनशिप में पड़ते रहते हैं जब तक कि आपको सही व्यक्ति ना मिल जाए। मान लीजिए शादी की, तभी आपको लगा कि व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है। तो कोई व्यक्ति है वो शादी निभाता है और कोई व्यक्ति शादी तोड़ता है, और वो कहता है कि मुझे इस जन्म में तो प्यार नहीं मिलने वाला, आपको अगला जन्म मिलता है। होता 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 जाता है। जैसे हमने देखा कि 4 रिलेशनशिप की, वैसे ही आपके जन्म होते जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जब तक कि आपको वो सच्चाई नहीं मिलती कि सच क्या है, तब तक आपका सोल घूमता है। अगर बीच में ही आपने वो रस्सी काट दी तो पतंग का क्या होगा? आपने देखा कि पतंग फिर हवा में कहीं पर, यहाँ पर जाके कहीं पर अटकता है। तो यू नो, अगर वो पतंग कहीं ज़मीन पे पड़ गया, मान लो आपको दोबारा जन्म मिला, तो चीज़ें वापस से स्टार्ट होंगी, कोई वापस से पतंग उड़ाएगा। लेकिन अगर पतंग कहीं यू नो किसी पेड़ पर जाके लटक गई या फिर खम्भे पर लटक गई, तो वहाँ पर तो कोई नहीं चढ़ने वाला, तो वहाँ पर वो अटकती रहती है एंड फिर उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें जाननी है, ओके। समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस, ओके। तो यहाँ पे हो सकता है। अरे तो यहाँ पे और कुछ कार्ड हैं जिनके बारे में हमें सोचना है, ठीक है। पहला जो कार्ड है वो है ना, शादी, आत्मविश्वास, बेपना एंड फरवरी, ओके। कोई तो चीज़ है जो फरवरी में होने वाली है, ठीक है, या फरवरी में हो सकती है। तो शायद या तो आप लोगों की एंगेजमेंट या शादी फरवरी में होने वाली है, तय हो चुकी हैं, या फिर कोई इवेंट है जो आप इस महीने में प्लान आउट करने वाले हैं, ठीक है। मे बी समथिंग यू आर फोकसिंग ऑन। और ऐसा होता है, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि भाई अभी होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो टाइम लेती है, यू नो। जैसे कि किसी को लगता है कि अभी की अभी मुझे शादी करनी है, ठीक है, तो कार्ड छपवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन पंडित मिलना चाहिए या फिर काशी जो भी है आपको वो मिलना चाहिए, फिर जो कार्यालय है, मंगल कार्यालय, वो मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए और लोग आने चाहिए, यू नो। आपने कहा कि चलो 3 दिन में शादी रखते हैं और लोगों को कुछ मतलब किसी को कुछ छुट्टी नहीं मिल रही है, किसी को पता ही नहीं है, कोई कह रहा है मैं इतने दूर कैसे आऊँगा, फ्लाइट भी बुक है तो क्या करेंगे, यू नो। तो ये चीज़ हो रही है फरवरी में, कुछ हो सकता है, ओके। शायद कि एंगेजमेंट फरवरी में हो सकती है, या फिर अभी फ़िलहाल 31 दिसंबर जनवरी तक आपकी एंगेजमेंट हो सकती है और उसके बाद फरवरी में आपकी शादी या निकाह हो सकता है। समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन इन दिस मंथ, सो स्टे अवेक। पहली बात है यहाँ पे ना, तो ना क्यों आ रहा है, यू नो। ये जो व्यक्ति है वो शायद किसी चीज़ के लिए ना बोल रहा है या फिर आपसे थोड़ा सा रूड गया है, ओके। मे बी बिकॉज यहाँ पे देरी हो रही है आप दोनों के कम्युनिकेशन में या फिर आप दोनों के एक होने में, ठीक है। तो समवेयर दिस पर्सन एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू और ये शायद आपसे ना कह रहा है, यू नो। कई कपल के क्यूट मोमेंट होते हैं, मे बी यू वांट टू हग एंड किस दैट पर्सन एंड दिस पर्सन से नो 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 बिकॉज यू वांट सम मोर इंटीमेट मोमेंट्स फ्रॉम यू। ओके, एंड आप शायद कह रहे हैं कि ओके ओके, मतलब आप उसे मना रहे हैं एंड ये व्यक्ति शायद मान नहीं रहा है, तो क्या होगा, यू विल टेक सम मोर टाइम एंड यू विल डिवोट मोर टाइम टू दिस पर्सन कि ये व्यक्ति चलो फिर ना से हाँ कहे, यू नो। तो व्यक्ति हैप्पी होना चाह रहा है, ये व्यक्ति आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है दैट यू कुड से समथिंग टू दिस पर्सन, ओके। तो ऐसा हो रहा है इस व्यक्ति के लाइफ में जो कि इम्पॉर्टेंट है ना, यहाँ पे आ रहा है, यू नो। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि मुझे और चाहिए और चाहिए, यू नो। लेकिन कैसे, मतलब देखो कुछ ऐसा होता है कि यू नो, मान लीजिए कि कोई चाइल्ड है, ठीक है, वो कहता है कि मुझे एक चीज़ चाहिए और आप पहले तो मना करते हैं, और जब वो रूठता है तो फिर कहते हैं नहीं, फिर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, फिर वो इतनी बड़ी चीज़ मांगता है, यू नो। पहले तो इतनी चाहती थी, फिर अब इतना चाहता है, जैसे कि पहले 10 टॉफ़ी अभी 30 टॉफ़ी चाहता है। तो वैसे ही ये व्यक्ति आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, नहीं मुझे नॉट 1 केस, 2, 3, 5, 6 केसेस, यू नो, कुड बी हैपनिंग। तो शायद ऐसी कोई चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है जो सिर्फ आप ही उसे दे सकते हैं एंड वो आपसे खुश हो सकता है। इफ़ यू आर लिविंग टुगेदर, यू आर मैरिड, तो डेफिनेटली यू कैन हैव वेरी गुड वंडरफुल मोमेंट्स टुगेदर, ठीक है। इंटीमेट मोमेंट्स आपको मिल सकते हैं 3 बजे के बाद, एंड आई थिंक रात के 9 बजे के बाद यू कुड हैव सम मोर इंटीमेट मोमेंट्स टुगेदर विच कुड बी रिजल्टिंग इन अ वंडरफुल सीरीज, यू नो। तो आप अपने में खुश हो सकते हैं, समथिंग दैट कुड बी वेरी गुड फॉर बोथ ऑफ यू। हालांकि जो सेकंड कार्ड है वो है शादी, तो यहाँ से वो कनेक्ट होते हैं, शादी कुड बी हैपनिंग फॉर बोथ ऑफ यू, उसके लिए आप रेडी हो सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ठीक है, ये कार्ड इसको भी अफेक्ट कर रहा है, ओके। शायद आप में से किसी की शादी एक दूसरे के साथ हो रही है या फिर अगेंस्ट हो रही है, यू नो, एंड मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद दिस थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो शायद आप जिसे चाहते हैं उससे ही आपकी शादी हो रही है, या फिर आप जिसे नहीं पसंद करते उससे शायद आपकी शादी होने वाली है, या फिर चर्चा चल रही है कि आपको कोई आ गया है प्रोफाइल, आप कहाँ हैं आपके पेरेंट्स की, एटलीस्ट इसकी तरफ देखो तो सही, मे बी व्यक्ति आपके लिए सही हो सकता है, ओके। मे बी आपकी किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है एंड यू जस्ट वांट दिस गाय और दिस गर्ल बैक इन योर लाइफ, लेकिन ये सिर्फ आपके हाथ में नहीं है, इस व्यक्ति को भी आपको हाँ कहना चाहिए। फ़िलहाल ये व्यक्ति शायद ना कह रहा है, और अगर ना कह रहा है तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, यू नो, देयर इज़ अ लिमिटेशन। ऐसा नहीं कि आपने बस हाँ कहा तो चीज़ें हो गई, डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम टू हैंडल, ठीक है। तो स्ट्रेस बाहर पड़ना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे ना आ रहा है, और यहाँ पे है शादी। तो शादी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि होनी चाहिए, अगर वो सही तरीके से हो रही है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आत्मविश्वास। सो समवेयर मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई जो व्यक्ति है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, उनको यकीन है कि चीज़ें वापस से पहले जैसी ज़रूर होंगी, ठीक है। अब ये आप हो सकते हैं या वो व्यक्ति हो सकता है। मे बी अगर आप दोनों में झगड़ा चल रहा है या फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, भी आपका डिवोर्स होने वाला है, दिस पर्सन कुड बी स्टिल फीलिंग अबाउट यू कि आप वापस से उनके साथ कम्युनिकेट करोगे एंड आपकी ज़िंदगी दोबारा से शुरू हो सकती है, यू नो। आई नो अबाउट अ डॉक्टर, ठीक है, उनकी वाइफ जो थी वो भी डॉक्टर थी, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, लेकिन उनके वाइफ और उनके मदर के बीच बहुत फाइट होती थी, मतलब वर्बल फाइट। और एक बार इतनी वर्बल फाइट हुई कि लोग बहुत जम गए, मतलब इतना सब खराब इंसिडेंट हो गया एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, लेकिन ही हैड अ सन, ठीक है। अब बिकॉज ही हैड अ सन, तो केवल उसकी वजह से दोनों डॉक्टर वापस से एक हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, आत्मविश्वास, और ये आ गया बेपना। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बेपना मोहब्बत आती है, यू नो। तो ऐसी कोई चीज़ होती है जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है एंड आपको लगता है कि बस इसी चीज़ के कारण मैं आपके ऊपर फ़िदा हूँ, या फिर मैं आपसे प्यार और मोहब्बत करती हूँ, एंड दैट इज़ समथिंग गुड, यू नो। तो शायद उनका स्वभाव हो सकता है, उनकी आदत हो सकती है, उनका प्यार हो सकता है, उनकी आँखें हो सकती है, उनकी आवाज़ हो सकती है, यू नो, समथिंग दैट कुड अट्रैक्ट यू, कि इसके अलावा आपको कुछ और सोचेगा ही नहीं, यू नो। एंड ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कुछ लोग किसी के सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मतलब मरते हैं, जैसे कि उस किसी की आंखें बहुत नशीली होती हैं, किसी की आवाज़ बहुत सॉफ्ट होती है, यू नो, एंड उनको वापस से खींचती हैं, एंड समथिंग कुड बी लाइक दैट। यहाँ पे बेपनाह मोहब्बत है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और इस व्यक्ति को लग रहा है कि दैट इज़ समथिंग विच आई वॉन्ट, विच आई डिमांड फ्रॉम यू। इसी कारण ही ये व्यक्ति को लग रहा है कि मैं वापस इस व्यक्ति को पा सकती हूँ या पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था रीडिंग आज के लिए।